हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द एनचेंटेड पूल, जिसके लेखक हैं सी राज गोपालाचारी। इनका जन्म 1878 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता। ये जो पार्ट है ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश या सार। यह महाभारत का एक अंश या सार है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रस्तुत करता है, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, पेशेंस मीन्स धैर्य, काइंडनेस मीन्स दयालुता, इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। यह प्रस्तुत करता है युधिष्ठिर के चरित्र को, धर्मराज उनके धैर्य को, दयालुता को, उनके भाइयों के लिए उनके प्यार को और उनकी बुद्धिमत्ता को। ही प्लीज यक्षा बाई गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। प्लीज मीन्स होता है खुश करना, सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतुष्टजनक, आंसर क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं। ही प्लीज वह खुश करते हैं, कौन, युधिष्ठिर यक्ष को, बाई गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का संतुष्टजनक उत्तर दे करके वे उन्हें खुश करते हैं, मतलब युधिष्ठिर यक्ष को खुश करते हैं। द यक्षावाच प्लीज विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, यक्ष बहुत ही अधिक खुश होते हैं युधिष्ठिर के पक्षपात रहित रवैये पर। द यक्षावाच यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष जो थे वो यम थे, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी युधिष्ठिर युधिष्ठिरास एंड टेस्ट हिज नॉलेज, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बींग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य। Being satisfied with his answer, उनके उत्तर से संतुष्ट होकर के उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अदृश्य हो गए। युधिष्ठिरा waited for his brothers in anxiety and thirst, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, बहुत ही चिंता में और प्यास से व्याकुल होकर वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। अब इनके मन में तरह तरह का ख्याल आता है। Can they have been subjected to a curse or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे, देखिए subjected means होता है पीड़ित होना, curse means साप, wandering means घूम रहे हैं, forest means जंगल। युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या वे जो है किसी श्राप से पीड़ित हो गए हैं या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं, ऐसा प्रश्न उनके मन में आता है। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, फेंट मीन्स बेहोश होना, क्या वे बेहोश हो गए होंगे या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, ये सारे विचार उनके मन में आते हैं और वो इसे सह नहीं पाते। अनेबल मीन्स अयोग्य, बियर मीन्स सहने में, इन सब विचारों को सहने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। एंड ड्राइव इन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और वो बहुत अधिक प्यास से पीड़ित हैं, बहुत उनको अधिक प्यास लगी है। ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्ट आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, उन्होंने त्याग दिया इंतजार करना और वो निकल पड़े अपने भाइयों की तलाश में। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और पूल की तलाश में इस आशा के साथ कि उन्हें शायद उनके भाई वहीं मिले। युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। देखिए प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, डायरेक्शन मीन्स दिशा। युधिष्ठिर आगे बढ़े उसी दिशा में जिस दिशा में उनके भाई गए थे। हिज ब्रदर हैज टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट, उसी मार्ग पर वो चलने लगे जिस मार्ग पर उनके भाई आगे गए थे, जो कि पूर्ण रूप से वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर और हिरन से, बिग फॉरेस्ट बर्ड बड़े बड़े जंगली
पक्षियों से भरा पड़ा था टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और उसके बाद वो एक सुंदर चारागाह मैदान में आ गए, हरे भरे मैदान में आ गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक साफ स्वच्छ तालाब के पास। बट वेन ही सा, लेकिन जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स लेइंग, उनके भाई लेटे हुए हैं, देयर लाइक फ्लैग पोल, एक स्तंभ की भांति उनके भाई लेटे हुए हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, रिस्ट्रेन मतलब वो जो है अनेबल, अयोग्य हो गए रोकने में, रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, अपने शोक को रोकने में वे अयोग्य हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉयस एंड वेप, वो तेज तेज चिल्ला करके रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीमा, उन्होंने भीम के फेस को, उन भीम के चेहरे को छुआ, अर्जुन को छुआ, एज दे ले सो स्टिल, जो बहुत ही शांत स्थिर शोका कुल लेटे हुए थे। साइलेंट एंड मून, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वोज मीन्स होता है प्रतिज्ञा। अब ये कहते हैं कि क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया। जस्ट वेन आर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, जबकि अब हमारा वनवास अब खत्म ही होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब जा चुके हो। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्च्यून, ईश्वर ने भी, फॉरसेकन मतलब होता है त्याग देना, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य, ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने, युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब बहुत ही असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, वो बहुत दुखी थे और उनको बहुत ही अधिक आश्चर्य भी था कि ऐसा कौन शक्तिशाली हो सकता है जो कि इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, फिर वो भी उस नदी में, उस तालाब में उतरने लगे, ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी थी तो वो पूल में उतरने लगे पानी पीने के लिए। एट वंस द वॉयस विदाउट फॉर्म वन, अचानक से एक आवाज़ आई बिना किसी जो है शरीर के, मतलब बॉडीलेस आवाज़ आई एक, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, हीड मीन्स होता है ध्यान से सुनना, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने प्रयत्न किया, ट्राइड मीन्स प्रयत्न किया, उन्होंने प्रयत्न किया पानी पीने का बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं के जैसा तुम भी मत करो, आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये पूल जो है ये मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ एक्शन, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा यह समझने में कि ये और कोई नहीं बल्कि यक्ष है। एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, उन्होंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अब उनको लगने लगा कि वो अपने भाइयों की जिंदगी वापस ला सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया करके अपने प्रश्न को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से के साथ प्रश्नों को रखा। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर, मनुष्य, रेस्क्यू मीन्स होता है रक्षा करना, मनुष्य की खतरे के समय कौन रक्षा करता है। क्रेज साहस, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कौन से विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अब देखिए युधिष्ठिर क्या आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है, इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि एसोसिएशन मतलब होता है साथ, बल्कि महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ से ही मनुष्य बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड,
हवा से भी अधिक तेज क्या है? माइंड, मन जो है, मस्तिष्क जो है, यह हवा से भी अधिक तेज है. व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रा? एक सूखे पत्ते से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? अ सैरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी हृदय जो है एक सूखे पत्ते से भी अधिक मुरझाया हुआ है. व्हाट बी अ फ्रेंड अ ट्रेवलर? मनुष्य का साथी कौन होता है जब वो यात्रा करता है? लर्निंग, ज्ञान. हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम? जो लोग घर पे रहते हैं उनका मित्र कौन होता है? द वाइफ, उनकी पत्नी. हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है? धर्म, धर्म मनुष्य का साथ देता है. दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ. धर्म ही ऐसा है, अकेला साथी है, जो कि आत्मा की जो एकांत की यात्रा होती है मृत्यु के बाद, उसमें उसका साथी बनता है. विच इज़ द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेसल मीन्स होता है पात्र. सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ, पृथ्वी. विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ? जो कि अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है. इट द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है. फ्रेंड, आज आप बस इतना ही. इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगी. फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट आपको कल मिलेगा. और प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए. आपको इस पे हाई स्कूल के सारे कोर्स के सारे वीडियो मिलेंगे. इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट स्टूडेंट को लाभ हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.